यूथरीच की डिजिटल ई लर्निंग क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं भीम सिंह आज आपको व्यू टैब में कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को, डॉक्यूमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट को और पेज को जूम कैसे करते हैं ये सभी मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं उनको हाइड कैसे करते हैं, उनको शो कैसे करेंगे और जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसे जूम कैसे करेंगे इनके बारे में। तो चलिए आज हम सीखते हैं शो और हाइड ग्रुप के बारे में। सबसे फर्स्ट यहाँ पे है रूलर बार जो हमें पेज की विड्थ और हाइट को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम रूलर को यदि इस चेकबॉक्स को हाइड करते हैं, हटा देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट से रूलर बार हाइड हो जाएगा, यदि आप शो करेंगे तो शो हो जाएगा। नेक्स्ट होता है ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में हमें लाइनें दिखाई देगी, ग्रिड लाइंस। यदि इन लाइनों को आप रिमूव करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस को आप हाइड कीजिए। नेक्स्ट होता है थंबनेल्स, थंबनेल्स होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल 23 पेज हैं तो इन पेज को थंबनेल्स पर जब क्लिक करेंगे लेफ्ट में हमें छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देंगे। अब जिस पेज पे क्लिक करेंगे वो पेज आपका डायरेक्ट व्यू हो जाएगा। अब किसी भी पेज पे को आप डायरेक्ट व्यू करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करो वो डॉक्यूमेंट आपका व्यू हो जाएगा। थंबनेल्स को हाइड करना है तो यहाँ से चेकबॉक्स को रिमूव करना होगा हमें। नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट मैप, डॉक्यूमेंट मैप में जो हमने आउटलाइन द्वारा जितनी भी हेडिंग बनाई है उन सभी को डॉक्यूमेंट मैप में शो कराएगा। डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट मैप में वो सभी हेडिंग आ जाएगी। अब जिस हेडिंग पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं वहां पे आप क्लिक करेंगे वो हेडिंग हमारे डायरेक्ट व्यू हो जाएगी। जैसे कि हमें इनपुट पे जाना है, इनपुट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। आप किसी भी टॉपिक पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं इस तरह से। हाइड करना हो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में आपको। नेक्स्ट होता है जूम, जूम हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे जूम करेंगे तो ये जूम हमें स्टेटस बार पे जूम भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम माइनस और प्लस हम अपने अकॉर्डिंग जूम इन और आउट कर सकते हैं। एक होता है यहाँ पे जूम पे जब हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे हमें कितना परसेंट जूम करना है उसे सेलेक्ट करना है और उसे ओके कर देना है, जूम पे क्लिक करना है। नेक्स्ट होता है पेज विड्थ, पेज विड्थ क्या होता है जो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट और राइट साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेस दिखाई दे रहे हैं इनको हाइड करना हो कि पेज को कंप्लीट स्क्रीन में लेना है तो हम ओके करेंगे पेज विड्थ पर, वो इस तरह से हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट विड्थ कि जहां पे ब्लैंक्स पेज के अंदर ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि मार्जिन का स्पेस है उसे हाइड करना है और टेक्स्ट विड्थ कंप्लीट स्क्रीन में आए, टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक कर ओके करेंगे तो इस तरह से टेक्स्ट विड्थ कंप्लीट स्क्रीन में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है वूल पेज, वूल पेज होता है कि हमारी स्क्रीन में एक पेज कंप्लीट आए, ओके कर देंगे तो इस तरह से हमारी स्क्रीन में एक पेज कंप्लीट आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट 100% जूम करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो। तो इसी तरह से वन पेज देखने, टू पेज देखने या पेज विड्थ करना है जैसे कि मैंने जूम के अंदर आपको बताया हैं। मैनी पेज होता है जूम साइज ओनली 10% रहेगा और जितने भी पेज हैं वो सभी एक साथ दिखाई देने लगेंगे, ये होता है मैनी पेज। ये सभी हमें जूम ग्रुप के अंदर मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।